सर ये रहा आपका बिल। अब तू मुझसे पैसे मांगेगा? लगता तू नया है यहाँ। हाँ सर मैं नया हूँ, लेकिन आपने खाना खाया है तो बिल तो पे करना पड़ेगा ना। अब तू मुझसे पैसे लेगा तो तुझे बताना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन। सर मुझे पता नहीं है कि आप कौन है और मैं जानना भी नहीं चाहता, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि आपने खाना खाया है तो आप बिल भर दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मैनेजर सर प्लीज उनको मत बुलाइए ना। ये क्या हो गया? क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? तुम्हारे इस दोपड़ी के बेटर मुझसे बदतमीजी की है, मुझसे बिल मांग रहा था। क्या इसने आपके साथ बदतमीजी की? सर इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, ये अभी आपके बारे में जानता नहीं है। और रही बात बिल की, वो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगी, आप चिंता मत करिए। समझ गया ना? अगली बार ध्यान से और तुम भी इसे समझा देना, ठीक है? अब मैं निकलता हूँ। जी सर आप चिंता मत करिए। लगता है तू पागल है, तो ये क्या कर रहा था? क्या हुआ मैडम, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था ना। तुझे पता है हमारे के जो MLA है ना, उनका बेटा था वो, अगर उनका दिमाग खराब हो जाता ना तो हमारा ये रेस्टोरेंट बंद हो जाता, वो भी सिर्फ तेरी वजह से। सॉरी मैडम, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो हमारे यहाँ के MLA के बेटे हैं, और वैसे भी उनका बिल मैडम बहुत ज्यादा था, 4,000 रुपए। बिल 4,000 या 40,000? तू एक बात याद रखना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। उनके पापा का हाथ है हमारे ऊपर। नाउ डू योर वर्क एंड क्लीन इट। यस मैम। ये लीजिए सर आपका ऑर्डर। ठीक है भैया, कितने हुए इसके? सर आपके हो गए 800 रुपए। अच्छा 800 है, लेकिन मेरे पास तो 500 है भैया, 300 काल दे दूंगा तो चलेगा? अरे सर ऐसे कैसे, ये अलाउड नहीं है, मैं मैनेजर को क्या बोलूंगा? भैया एक बार देख लो ना, वो क्या है, आज मेरी माँ का बर्थडे है, इसीलिए मैंने सोचा बड़ी होटल से खाना ले लूंगा तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, काल आके आपको मैं 300 रुपए दे दूंगा। चलो ठीक है, कल दे ही देना, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। किस चीज का नुकसान हो जाएगा तेरा, और तू इससे क्या बात कर रहा है इतनी? मैडम वो कुछ नहीं, एक ऑर्डर था और 800 रुपए का था, तो इनके पास इतने पैसे नहीं है तो ये बोल रहे हैं कि 300 रुपए कल दे देंगे। हाँ हाँ मैडम कल मैं दे ही दूंगा, आप चिंता मत करो। अबे ओए सुन, हमने कोई यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखा है कि कोई भी आएगा और सामान ले जाएगा, तू पहले पैसे दे फिर उसके बाद सामान ले जाना, समझा? खाना रख यहाँ पे, जब पैसे आए ना तब ले जाना। मैडम जी ऐसा मत कीजिए ना, आज मेरी माँ का बर्थडे है और मम्मी का मन है कि बड़ी होटल से मैं खाना लेके जाऊँ उनके लिए, ये दे दो ना, कल मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप चिंता मत करो। तो तुम अपनी हैसियत के हिसाब से वादे करो ना, और वैसे भी मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हें यहाँ खिलाने का, बाहर बहुत सारे ढाबे पड़े, वहाँ 500 रुपए में बहुत कुछ तुम्हें मिल जाएगा, तो ये खाना तुम यही रखो और वहाँ से जाकर ले लो। ठीक है मैडम, एक मिनट सर, आप एक काम करिए ये लेके जाइए, और रही बात आपके पैसे की, वो मैं पैक कर दूं। शुक्रिया साहब। तू इसके पैसे क्यों देगा, तू इसका रिलेटिव है क्या? नहीं नहीं मैडम, ये मेरा रिलेटिव नहीं है, वो ऐसा है ना मैडम कि आज इसके माँ का जन्मदिन है। मैडम इनका बिल 800 रुपए हुआ है, तो 500 रुपए ये है और 300 रुपए मैं पे करूँ, और ये माँ के लिए कुछ अच्छा ही करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं ही मदद कर दूँ। और ये मैडम मैंने आपसे ही सीखा है, वो जब MLA के बेटे आए थे तो आपने 4,000 रुपए माफ कर दिए थे, और मैडम फिर ये तो एक आम इंसान, वो लाचार है परेशान है और अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है, तो मैंने सोचा 300 रुपए मैं दे दूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है मैडम, इसलिए आप ये रख लीजिए, और सर आप जा सकते हैं, मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। ठीक है साहब, कल मैं आके आपको पक्का पैसा दे दूंगा। ठीक है। सॉरी मैडम, अगर मैंने मेरी औकात से कुछ ज्यादा ही बोल दिया हो तो। बस मैडम जो मेरा दिल किया वो मैंने कर दिया, और वो मैडम MLA के बेटे जो आए थे उनके लिए 4,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो चाहते तो एक बार में 4,000 रुपए दे देते, लेकिन उन्होंने तो बिल पे करने के लिए ही मना कर दिया था, और मैडम ये एक गरीब इंसान बेचारा लाचार जो कि बिल देने के लिए मना नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि वो कल आके दे देगा, तो मैडम अब आप ही बताइए जो मैंने किया वो गलत किया या सही? 500 काफी है, और रही बात 300 की तो वो मैं पे कर दूंगी। पर मैडम 300 रुपए आप क्यों पे करेंगे? जब वो MLA के बेटे के लिए मैं 4,000 रुपए माफ कर सकती हूँ तो इसके लिए तो मैं 300 रुपए माफ कर ही सकती हूँ, और थैंक्स टू यू, मैं तो ये सब करते करते इंसानियत भूलती जा रही थी। थैंक यू मैडम, जो आपके अंडर काम कर रहा है उसकी बात समझने के लिए। तो इतनी अच्छी बातें करेगा तो सुनना भी पड़ेगा और मानना भी पड़ेगा। चलो तुम अपना काम करो, अब मैं आती हूँ। ठीक है मैडम। दोस्तों हम अमीरों के लिए हमेशा सब कुछ कर देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं,
सोचना जरूर इस बात पर, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।